Hello students, welcome to BSc online classes. Today we are going to start DISCOM part 3. In the previous lectures we have learned so many things. हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा. आज हम लोग DISCOM का part 3 start करने जा रहे हैं, जो कि miscellaneous. In this section we have included so many miscellaneous problems. Without wasting time, start. Question number 1. देखो, ये practice session. This is going to be the practice session. ठीक है? Learn carefully, read carefully. ठीक है? A shopkeeper buys an article for rupees 360. He wants to make a gain of 25% on it after a discount of 10%. The mark price is. I hope कि ऐसे questions you people can already solve. ठीक है? Will be able to solve. एक दुकानदार कोई वस्तु 360 रुपए में खरीदता है, वह इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है. तो उस वस्तु का मार्क प्राइस आपको निकालना. आप चाहोगे ना, वुड यू लाइक टू ना सॉल्व इन अ सिंगल लाइन. आप लोग एक लाइन में इसको बनाना पसंद करोगे ना. तो देखो कैसे, हाउ कैन वी सॉल्व एक लाइन में कैसे इसको बना सकते हैं. देखो मार्क प्राइस है कितना, ये सीपी कितना है, 360. सीपी 360 दिया होगा. कॉस्ट प्राइस इज गिवन कितना, 360. ठीक है, 360 दिया होगा. अब जरा देखना, 25% shopkeeper wants to earn, 25% shopkeeper wants to earn. The fraction value of 25% is 1/4, मतलब 5/4 में वो उसको बेचना चाहेगा, तो into 5/4 कर देंगे. ये बताओ बाबू, ये it has become selling price ना, 360 CP था, 25% वो कमाना चाहता है, यानी बेचना चाहेगा वो 5/4 में, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4+1 5/4, या आप 125 बटा 100 भी कर सकते हो, तो भी कन्वर्ट के 5/4 ही आएगा. तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं. अब 10% छूट देने के बाद भी, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 10% छूट देने के बाद भी, यानी उस वस्तु का जो मार्क प्राइस होना चाहिए, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो 360 है, हमें मार्क प्राइस निकालना. 10/9 वही 100/90, ठीक है, यानी 10/9, ये आपका आंसर हो जाएगा. बस 4 9 36, 10 times 10 times 50 50 into 10 is 500 रुपए. यानी उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या रखना होगा, एमपी 500 रुपए. दैट मींस व्हिच ऑप्शन इज द राइट वन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप ये क्लियर रहा होगा. कैसे, एक बार फिर से समझ लो, 360 इज द मार्क प्राइस, ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस, नॉट मार्क प्राइस. 360 जो है ना, क्रय मूल्य. अब वह क्या कमाना चाहता है, 25% का लाभ कमाना चाहता है. 25% का लाभ का मतलब होता है बेचा जाएगा वो 5/4 पे वो वस्तु. अब हमें अंकित मूल्य निकालना, मार्क प्राइस. तो अंकित मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि 10% डिस्काउंट देना चाहता है, तो अंकित मूल्य के लिए 100/90, ओके, एमपी equals to SP into 100 by 100 minus discount percent होता है. मैं फॉर्मूला से भी आप चल सकते हो, ले सकते हो, ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग शेयर कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं. तो 100/90, that means 10/9. तो 10/9 after cancelling all these things we will get 500 rupee. तो mark price to that item must be 500. तो this is very normal question. Second question पे आते हैं. A table with mark price rupees 1200 was sold to a customer for rupees 1100. Find the rate of discount allowed on the table. ये तो बड़ा ही आसान है. मैंने आज कहा कि ये सारे जितने भी पिछले दो सेशन में डिस्काउंट के बारे में लर्न किया, उसी की मिसलेनियस प्रैक्टिस है आज का सेशन. मिसलेनियस, ये ऑलरेडी ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं, उसी का प्रैक्टिस आज कराया जा रहा है. ठीक है, तो चलो अब जरा यहां देखो, 1200 में खरीदा, सॉरी मार्क प्राइस है, और बेचा ग्राहक को कितना, 1100. तो हम लोग क्या 12 और 11 भी तो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 0000 दोनों में कॉमन है. तो बताओ 12 का माल 11 में बेचा, ऐसे सोचो. तो डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है. We already know ना discount percent का क्या formula? Discount percent अपने को निकालना है. तो discount is 1, the difference 12 and 11 is 1, into 100,
डिवाइड किससे करेंगे, मार्क प्राइस से, मार्क प्राइस इज 12 ना, तो दैट मच इज योर आंसर 25/3, 25/3% मींस 81/3% डिस्काउंट, 8.1/3% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है कस्टमर, यानी मार्क प्राइस था 1200 और बेचा गया था 1100, यानी एक यूनिट का मतलब 100 है, यानी एक यूनिट हम लोग ले रहे हैं, बिकॉज 0000 कॉमन थिंग्स तो उसको अवॉइड करो क्योंकि वो फाइनली कैंसिल ही होगा, तो 1 × 100/12, तो याद रखना whenever we need to find out discount percent we always divide by mark price, whenever we need to find out profit percent we usually divide by cost price, this is the way to find out discount percent as well as profit percent, so discount percent nikalna. Now the third problem is again very easy, the mark price of an item is twice the CP for a gain of 15% that discount should be, किसी वस्तु का अंकित मूल्य की लागत मूल्य से दोगुना है, 15% के लाभ के लिए छूट परसेंटेज क्या है, जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, the mark price of an item is twice the CP, यानी हम लोग क्या करेंगे फटाफट इस क्वेश्चन में, let CP be 100 unit, let CP be 100 unit, okay, तो therefore mark price must have been, therefore mark price must have been 200 unit, कैसे आया 200, because it is clearly written in the question that the mark price of an item is twice the CP, so let us say CP is 100, then mark price must be 200, अब 15% का लाभ के, 15% लाभ जब भी कमाया जाता है CP पे ना, तो cost price is 100, then SP must be 115, 115 ना होगा, तो बताओ कितने का डिस्काउंट मिला, यही पता करना है, तो डिस्काउंट मतलब द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, 200 का अंकित मूल्य 115 में फाइनली बेचा गया, यानी डिस्काउंट इज क्लियरली 85, डिस्काउंट इज क्लियरली 85, तो डिस्काउंट परसेंट सिंस वी हैव टू फाइंड, तो 85/200 × 100 ना ये हो जाए, यानी 42.5% डिस्काउंट अ कस्टमर इज गेटिंग, अ कस्टमर विल गेट, or you can say the shopkeeper will offer to the customer 42.5% discount. So this is how you can solve this question. यही तरीका है, इस तरीके से आप solve कर सकते। CP 100 लेके चला क्योंकि mark price जो हो की तुलना जो हो रही ना क्रय मूल्य से हो रही, इसलिए जिससे तुलना हो उसको 100 मानना है, ये देवन से आज talking about it, मैं आपसे बात कर रहा हूँ देवन से। चलो अगला क्वेश्चन, now to attract more visitors, due authority announces 20% discount on every ticket which costs 25 paise. For this reason, sale of ticket increased by 28%. Find the percentage of increase in the number of visitors. देखो कितना interesting question. बोलता है ना अधिक visitors को आकर्षित करने के लिए जू वालों ने क्या किया? 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। जैसे डिस्काउंट ऑफर किया ना, तो टिकटों की जो संख्या है, बिक्री है, सॉरी संख्या नहीं, टिकटों का सेल बढ़ गया। कितना परसेंट? 28% बढ़ गया। ओके, 28% has been increased sell. You have to find out what. आपको पता करना है, find the percentage of increase in the number of visitors. नंबर ऑफ विजिटर्स में कितना परसेंटेज का इंक्रीज है? सो ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन परसेंटेज, तो ये जो 25 पैसा रहे या 5 पैसा रहे, ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत, हम लोग अपने हिसाब से इसको बनाएंगे, एज्यूम करें। देखो कैसे, मैं वही समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो लेट्स मान, लेट्स सपोज टिकट जो है ना पर हेड, लेट टिकट पर हेड भी 100, मान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति का या प्रति विजिटर का जो टिकट कॉस्ट है वो 100 रुपी, ओके, ना नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ पर्संस ले लो या नंबर ऑफ विजिटर्स, मान लो 10 विजिटर्स आते, ठीक है 10 विजिटर्स, तो टोटल सेल कितना होता होगा? टोटल सेल 1000, एक टिकट का दाम 100 रुपया, तो 10 लोग आते थे पहले तो 1000 रुपया, अब जरा समझो, अब बोलता है ना
20% now discount has been offered by Zoo Authority. 20% discount. Now the cost of ticket would be 80. 20% का छूट तो 80 रुपए का ना अब टिकट हो गया। अब होता है कि टोटल से 28% की वृद्धि हुई, 28% वृद्धि यानी 1280, because the 28% of 1000 is 280 will be added to 1000, 1280. Now the number of visitors will be how much? 1280 divided by 80, that is 16 ना। So you have to find finally, find the percentage of increase in the number of visitors. Number of visitors में कितना का increase हुआ? 16 ना हो गया? 1280 का से 80 रुपए ticket per head. तो number of visitors कितने आए? 1280 divided by 80, 16. Now the number of visitors has been increased by how much you have to find? 10 में 6 बढ़ा, तो 100 में 60 बढ़ेगा, 6 ना बढ़ गया, तो 6 into 100 divided by 10. That means 60% increase has been found in the number of visitors. When it happened? Yeah, tabhi hua jab number of ye jo discount diya gaya 20% ka, to number of visitors have increased by 60%. So this is how you can solve this type of question. No need to carry 25 paise ya 75 rupaye rahe 72 rupaye mat carry karo na, because all options are given in percentage. So no need to carry 25 paise lene ki koi zarurat nahi, hum log apne man se maan lenge 100 10 100 bhi le sakte ho, no problem. Theek hai, chaliye next question please. Look again, very easy problem before you. Chalo ye banaoge aap sab log. List price means mark price. Don't get confused. I did tell you last time, mark price keh lo, list price keh lo, face value कह लो, all are similar in meanings. तो वही अंतिम मूल्य दिया हुआ है 440 रुपए, और ग्राहक के लिए कितने में उपलब्ध है? 396. ग्राहक how much customer pays? 396. You have to find out the rate of discount rate. So that means you have to find discount percent. So discount percent is what? How much discount he is getting? A customer is getting. The difference between 440 and 396 is how much? Difference kitna hai? 396 aur 440 mein it is 44 na? How much discount? 44 rupees discount. So 44 into 100 divided by mark price is how much? 440. That means how much discount percent is getting? 10% discount is getting. So normal, so easy. है ना? मुझे तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन आज तो सारे का वो प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस प्रॉब्लम बिफोर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ देखो भैया, अ शॉपकीपर लिस्टेड द प्राइस ऑफ गुड्स एट 30% अबव द सीपी. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. He sells half the stock at listed price, 1/4 of the stock at a discount of 15% and the remaining at 30% discount. His overall profit percent is. एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है. लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है. Which means CP, मान लो my dear student, CP 100. CP is 100 unit. Let CP be 100. Therefore, mark price must have been 130. Clear? यहाँ तक 130. मान लेते हैं कि क्राय मूल्य 100 यूनिट है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 130. अब वो उसको बेचना चालू किया. ये 130 उसके पास टोटल यूनिट है. अब बेचना शुरू किया. देखो कैसे बेचा. Half. He sells half the stock. आधे माल को सूची मूल्य पर बेचता है. आधे माल. जरा समझना. आधे माल को सूची मूल्य पर बेचता है. यानी हाफ कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 65 यूनिट. तो 65 का माल 65 में बेचता विदाउट ऑफरिंग एनी डिस्काउंट. 65 1/4 माल. अब देखो 1/4, जरा यहां समझ. 1/4, ठीक है, 1/4 लिख ले रहे हो. 130 का 1/4 इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ कितना?
15% की छूट पर देता है, यानी 85/100 में बेचता है, 17/20 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम, कन्वर्ट के वही आगे 85/100 पे बेचता है। 15% डिस्काउंट का मतलब 85/100, 10% डिस्काउंट मीन 90/100 पे बेचना, 20% डिस्काउंट मीन 80/100। ओके, दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस। अब बोलो रिमेनिंग कितना का स्टॉक बचा उसके पास, 130 ही का 1/4 रिमेनिंग, ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%, 30% मीन 70% पे बेचना। ओके नाउ सॉल्व, इतना का सेल हुआ, टोटल सेल तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 115 3/8 आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस 115 फ्रैक्शन 3/8, तो यू हैव टू फाइंड हाउ मच परसेंट दिस परसेंट प्रॉफिट, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ही ऑब्टेन, कितना प्राप्त किया उसने परसेंट प्रॉफिट। तो बताओ भाई 100 यूनिट का माल, 100 यूनिट है ना, और फाइनली कोई 100 यूनिट का था कॉस्ट, और फाइनली उसका सेल हुआ 115/3/8, तो क्लियरली ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 15 3/8% ना, तो डायरेक्टली लिख दो 15 3/8% ही विल गेट द प्रॉफिट परसेंट, 15 3/8% प्रॉफिट ही विल गेट। तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इट्स इंपॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से वे लगाना, अप्रोच लगाना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने बस यही काम करना। हाफ मतलब 65, 1/4 130 का 1/4 15% डिस्काउंट, फिर रिमेनिंग तो देखो हाफ यहां चला गया, 1/4 यहां गया, तो 1/4 ही ना 130 का 1/4 ना रिमेनिंग स्टॉक बचेगा उसके पास। Now 70/100, how it comes 70/100? Because for the remaining stock he is offering a discount of 30%. 30% discount means he must have sold that item at 70%. Okay. Next question now coming up. X purchased an item at a discount of 10% and sold it to Y at 10% profit. The mark price and the price for which Y purchased the item is in the ratio. देखो बड़ा ही प्यारा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और उसे वाई को 10% लाभ पर बेच देता है। गौर कर, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। देखो भाई छूट जब भी दी जाती है वो मार्क प्राइस पे दी जाती है ना, छूट याद रखना हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो लेट अस सपोज मार्क प्राइस भी 100, let suppose mark price be 100 unit, okay 100 मान लिए mark price, तो बताओ x ने purchased किया, x purchased equals to 90, clear 10% discount, 10% छूट गया, यानी 90 unit पे खरीदा होगा, okay 100 का 10% 10 होता है, okay now X sold it to Y at 10% profit. X ने sold किया Y, sold किया, तो Y ने purchase किया होगा, X ने sold किया 10% profit पे, 90 का 110/100 यानी 11/10 बेचा इसने, 110/100 यानी 99 unit पे। At the end of the question, you have to find out the ratio between mark price and the price which Y purchased the item. यानी अंत में आपको पता करना है ratio mark price और जिस price पे Y ने purchase किया। तो बताओ MB तो 100 था और Y purchase था 99 ना, so that much is your answer. 100 is to 99. Where it is given? It is given in the last one. Means option D is the right answer to this problem, to this question. ठीक है? तो it was very easy. It was very facile question. You can say very easy question. Facile. चलो. I hope you people must have understood that way. ये समझ गए होंगे कि how to solve, कैसे बनाना है इस तरह के problems. चलिए moving on to the next question. बढ़ते हैं अगले से अगले question की तरफ. Again, it's very interesting.
If in sell the discount given on the sari is equal to 1/4 the mark price and the loss due to this discount is 15%, then the ratio of the CP to the SP is. देखो क्या है ना, किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य का 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है, तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या रेशियो है यदि इसमें 15% की हानि हुई हो। बस कुछ ही नहीं करना, देखो कैसे बनाना है, जरा समझो। मार्क प्राइस का 1/4 छूट है, मार्क प्राइस का 1/4 क्या है, छूट है। तो लेट फिर से मार्क प्राइस ले लो 100, देख लो तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट 25, क्यों 25, 100 का ना 1/4 दैट मींस 25, क्लियर, डिस्काउंट इज 25। तो सोल्ड कितना में हुआ, 100 का माल 25 का छूट, सोल्ड हुआ 75। अब बोलता है ना कि इसमें 15% की हानि हुई है, किसे, शॉपकीपर 15%, there is a loss of 15%, okay? So you have to find out the ratio between CP is to SP, CP और SP के बीच रेशियो निकालना। अब देखो 75 में 15% का लॉस है, यानी CP must have been 100 by 85। मैंने कहा था ना CP जब जब निकालना हो 100 ऊपर होता है और 100 माइनस लॉस होता है, प्लस कब होता है, जब प्रॉफिट परसेंट होता है, 100 अपॉन 85 और SP इज ऑलरेडी 75, तो 75 75 विल बी कैंसिल, 520 या 570 या 85, दैट मींस द रेशियो मस्ट हैव बीन 20:17, दिस इज द आंसर, 20:17 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, व्हिच इज गिवन इन द लास्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व, इस तरह से सॉल्व करना चाहिए आप सब बच्चों को। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइटम इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ₹250 लेस सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15%, द सेल प्राइस ऑफ द आइटम इज। मैंने क्या कहा था, लेस और मोर, व्हाट डज इट डिनोट, इट ऑलवेज डिनोट्स द डिफरेंस, ये हमेशा किसको बताता है, डिफरेंस को बताता है, ठीक है, हमेशा डिफरेंस को बताता है। और ये 2016 का क्वेश्चन है सीपीओ का। An item is offered for sale at ₹250 less successive discounts of 20% and 15%. The sell price of the item is. You have to find out the sell price of the item. Look, सबसे पहले वो जो 20% और 15% है ना successive discount, उसका equivalent discount निकाल दो। Equivalent discount. -20 -15 successive formula -x - y plus xy by 100 now 20 into 15 by 100, now solve this -20 -15 -35 -35 plus 3 -22 -32 means 32% discount, so 32% discount means that item must have been sold at 68%. तो 68% of 250 will be the answer ना, 68% of 250 will be the answer। अगर 32% का छूट कहीं दिया जा रहा है शॉपकीपर के द्वारा, यानी उस आइटम को डेफिनेटली शॉपकीपर बेचेगा 68% पे, 32% को छोड़ दिया, 68% पे must have been sold by the shopkeeper, बेचेगा कस्टमर को, तो 68% of 250, no need to solve for that, आगे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, because all the options have been given in that way. इसी रूप में सारे options दिए गए हैं. This means option third is the right answer. Option C ही इसका correct answer हुआ होगा. तो successive निकाल लेना, equivalent discount निकाल लेना, उसके बाद answer करना. अगले question की तरफ बढ़ते हैं. Now, देखो भैया, if a person purchases the shirt, he gets 6% discount. बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक कमीज खरीदने को जाता है तो मात्र उसे 6% की छूट मिलती है, लेकिन अगर वह दो कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% का डिस्काउंट और दूसरे शर्ट पे 1% का छूट मिलेगा। अगर वह दो कमीज खरीदने जाता है ना तो पहला कमीज पे उसे 5% का डिस्काउंट और दूसरा कमीज और लेगा तो 8% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक व्यक्ति है
उसने दो कमीज खरीदा, देखो दो कमीज खरीदा और 925 रुपए का भुगतान किया, तो आपको प्रत्येक कमीज का मार्क प्राइस निकालना है। देखो ना, एक लाइन में उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन, एक लाइन मार्क प्राइस मान लो 100 यूनिट, तो बताओ दो कमीज, हरेक शर्ट का मार्क प्राइस क्या मान लिए, इच शर्ट का मार्क प्राइस इच लिख दो, इच मतलब प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 यूनिट। तो पहला अगर कमीज खरीदेगा तो 5, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो तो दो कमीज खरीद रहा है, यानी 6% तो ऐसे ही गॉन हो गया, विलुप्त हो जाएगा। हमें तो ये वाला कंडीशन ना फॉलो कराना होगा, 5% वाला और 8% वाला। तो 5% से अगर पहला सेट करेगा तो कस्टमर कितना पे करेगा, 95 यूनिट, और 8% अगर करेगा तो 92 यूनिट, यानी टोटल से कितना पे करना पड़ा, 187 यूनिट टोटल। लेकिन यहां तो पेमेंट दिया है 187 यूनिट इक्वल्स टू 925 रुपी, वहां तो 925 रुपी ना पे किया, तो 187 यूनिट इक्वल्स टू 925 रुपी, ये 95 कहां से आया, 5% डिस्काउंट में 95 यूनिट पेमेंट देना पड़ेगा, 8% डिस्काउंट में 92 रुपीज आपको पे करना होगा, यानी टोटल 187 यूनिट पे करना पड़ रहा है। कब, जब हमने मार्क प्राइस 100 यूनिट लिया है, लेकिन वहां तो पेमेंट कुल मिला के 925 किया है, तो 187 यूनिट इक्वल्स टू 925। सिंस यू हैव टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस ऑफ ईच शर्ट, वी हैव अज्यूम द मार्क प्राइस ऑफ ईच शर्ट बी 100, तो 100 हमने अज्यूम किया है, यानी 100 से यहां लास्ट में 100 यूनिट निकाल के आंसर कर दो। तो ऐसे बनाना है 925 × 100 डिवाइडेड बाय 187, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 494 अप्रॉक्स, यानी आंसर हो जाएगा 494। ऐसे बनाना, उड़ा देना ऐसे क्वेश्चन। तो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक शर्ट का मार्क प्राइस ले लेंगे 100। ओके, गॉट इट, समझ गए, आई होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी यू पीपल हैव लर्न, आप बच्चे सब लोग पहले से इसको सीख चुके हो, यू पीपल हैव ऑलरेडी लर्न दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। 3-4 तो मैंने फॉर्मूला लगाओगे तो डबल बार फॉर्मूला यूज करना होगा, और अगर 100 लोगे तो एक उस तरफ भी बना पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर फॉर्मूला की बात करें, अल्टरनेट मेथड भी है पहले फॉर्मूला से, तो -15, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ऑल राइट, -15 -20 +15 × 20 upon 100, -35 + 3 -32। अब देखो ये जो 32 है, अब इसको ये वाला बच गया ना, फिर से एक बार लगाओ, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा -32 -30 +32 × 30 /100, यानी 3 डिस्काउंट का जो एक उदाहरण डिस्काउंट होगा, -32 -30 -62 -62 +9.6 -62 +9.6 दैट मींस 52.4 ये डिस्काउंट हो। माइनस क्या इंडिकेट करता है डियर, माइनस ऑलवेज इंडिकेट्स डिस्काउंट लॉस, लेस माइनस हमेशा लेस को बताता है, वही डिस्काउंट क्या है। तो इसको सॉल्व करोगे -52.4 माइनस ऑलवेज इंडिकेट्स डिस्काउंट, तो -62 + 9.6 -62 + 52.4। ओके, सो व्हिच ऑप्शन सीम्स टू बी राइट, एब्सोल्युटली राइट, अ लास्ट ऑप्शन सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, 100 लेके चलते तो 100 × 85 / 100 × 80 / 100, उसमें फिर डिफरेंस देखना होता। ओके, जैसे अल्टरनेट अगर मेथड लेते हैं अल्टरनेट में, तो उस तरह भी बना सकते थे 100 × 85 / 100 × 80 / 100 × 70 / 100, इतना कैलकुलेशन थोड़ा था, और फिर इसकी वैल्यू आती 46.7.6। अब यहां देखते कि 100 है, ये 47.6 है, यानी 52.4% का छूट मिला, तो ये होगा, ठीक है, जो आपको पसंद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, रमेश मार्क्स इज गुड 30% अबव सीबी, रमेश
marks his goods 30% above CP if he sells an item for rupees 910 after allowing 15% discount, find his CP. है ना? रमेश जो है ना अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है. यदि वो वस्तुओं को 15% छूट देने के बाद उन्हें 910 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो लागत मूल्य क्या आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो देखो फिर से लेट सीपी 100 यूनिट MP 130 unit. Let CP be 100 unit. Therefore, MP mark price must have been 130 unit. Why 130? 30% above. Now he is offering a discount of 15%. So a shopkeeper always offers a discount on mark price, not on cost price. So bechega kitna? SP must have been 130 ka 85%. ठीक है, 110.5, क्लियर, 110.5. भैया वो 3/20 तो 17/20 भी लिख सकते थे, 85/100 ही लिखो, नो इश्यू. अब बोलो वस्तुओं को उन्हें 910 रुपए में बेचना है, यानी 110.5 यूनिट रिप्रेजेंट्स 910 रुपीज. 110.5 unit represents 19 rupee. You have to find out the cost price. So cost price you have taken 100 unit now. That means the value of, you need to find out the value of 100 unit. Aapko 100 unit ki value pata karni hai. So 19 into 100 divided by 110.5. Now solve. After solving this, you will get 856.5. 856.5 rupee. After solving this, you will get 856.5, which is given in the last option, which is given in the last option, fourth option, is the right answer to this problem. So very interesting, very easy. Ab to habits hi ho gayi hongi bachchon ko ki how to solve, how to deal with that kind of question. So aise question aap hamesha is tarah se banana, always assume 100. Why we have equated 910 rupee with 110.5? Because in this question we have sold that item at rupees 910. So 110.5, agar hum log 100 leke chal rahe to becha ja raha 110.5 pe. Isliye equate kiya 910 se. Okay? Next question. What is the discount? 400 instead of rupees 500. यदि किसी वस्तु को 500 की जगह 400 में बेचा जा रहा है, ये तो बच्चा वाला बहुआ वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि 00 00 ना 500 पढ़ो ही मत, 5 मानो और ये 4 मानो. तो एक लाइन में 5 का माप अंकित बोले 4 में बेचा जा रहा है, यानी 1 का डिस्काउंट, 1 यूनिट का डिस्काउंट. तो 1 अपॉन किससे डिवाइड करते हैं, मार्क प्राइस से, यानी 5 यूनिट. 00 00 को खा जाओ इनटू 100, हो गया 20% डिस्काउंट. कितनी की छूट मिल रही है, 20% की छूट मिल रही है, हो गया 20%, which means second option is the right answer to this question. 13 का second option, option B is the right. चल अगले question की तरफ. Mark price of an article is rupees 200. A dealer sells three such articles for rupees 546 after allowing discount at a certain rate. Find the rate of discount. एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए. एक विक्रेता ऐसी तीन वस्तुएं एक निश्चित दर पर छूट देने के बाद 546 में बेचता है. एक आइटम का दाम 200, तीन आइटम बेचा लेकिन 546 में बेचा. ऐसे होना चाहिए 600, लेकिन 546 में बेचा. तो देखो सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली. 200 into 3 600 मार्क प्राइस, लेकिन सोल्ड तीन आइटम को 546 में ना सोल्ड एसपी. तो हाउ मच डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 54. तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंट. 54 इनटू 100 इट मस्ट हैव बीन डिवाइडेड बाय 600 ना. सो 9% डिस्काउंट अ पर्सन इज गेटिंग, 9% डिस्काउंट अ पर्सन इज गेटिंग
3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बिकॉज़ द बल्क प्राइस ऑफ वन आइटम इज 200 और ये तीन आइटम को 546 में बेचा, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई हियर इट बाय 3 ना, तब ना वो तीन तीन एक कॉमन होगा, इक्वल होगा, इसलिए 3 से गुणा किया, राइट। चलिए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो, a man sells a bicycle at mark price which is 30% higher than CP. If he gives some discount and sells it at rupees 150 less than the mark price, he would still gain 20%. What is the percentage of discount offer? देखो बच्चों, देखो dear the students, one thing I want to clear before you. एक चीज मैं आपके सामने clear करना चाहता हूँ। जब कभी भी मैं बार बार repeat करता हूँ, so many times I have repeated my statement. What's the statement? Statement is very clear. कि whenever you find options are in percentage, जब कभी भी आप आते हो कि all options are given in percentage, तो जो rupees है ना, उसको मत प्यारी करो। 150 रुपए बस आपको confuse करने का हथियार है examiner के द्वारा। हाँ, अगर rupees में option होता ना, तब इस पर हम लोग विचार करें। लेकिन क्योंकि ऑप्शन सारा परसेंटेज में है, तो हम लोग 150 रुपीज पे ध्यान ही नहीं देना, कोई फायदा परसेंटेज पे ध्यान देना है। देखो, समझो, अ मैन सेल्स अ बाइसाइकल एट मार्क प्राइस व्हिच इज 30% हायर देन सीपी। सीपी से तुलना हो रही, तो जिससे तुलना होता है वही ना मैं कहता हूं बार बार, यू हैव टू अज्यूम 100 टू दैट पार्ट। लेट सीपी बी 100 यूनिट, let CP be 100 unit, okay? Now the mark price is 30% above, still he wants to get a, make a profit of 20%. CP 100 unit मान लिए और वो 20% कमाना चाहता है और mark price है 130, देखो 130, 30% above, तो बेचना चाहेगा वो 120 पे ना, क्यों 120 पे बेचना चाहेगा? क्योंकि he wants to make a profit of 20%, और profit जब भी निकाली जाती है वो CP पे ना, तो 100 का माल 120 में anyhow बेचना चाहेगा, भले वो मार्क भी आता 130 का, लेकिन बेचेगा वो 120 पे, तो पाया ना discount, वही पूछ रहा है how much discount percent he is offering to the customer, तो discount percent he is offering to the 130 का माल 120 में, तो 10 का discount और divide किसे करेगा, तो 130 से 13 से भी कर सकते थे 00 बस, हो गया आंसर, that much is your answer, 100 by 13% 7.69, after solving this you will get 7.69%, so how much discount he is offering to the customer, 7.69%, तो देखा आपने, 150 का कोई इस्तेमाल नहीं, 150 बस confusing चीजें, हाँ 150 का इस्तेमाल होता, जरूर होता, when the options were given in rupees, परसेंटेज दिया है समूचे को 100 मान, ओके, दिस इज द बिगेस्ट क्लू, सबसे बड़ा क्लू दे रहा हूं इस क्वेश्चन कि बहुत बच्चे 150 का इस्तेमाल करने में परेशान हो जाते हैं, नो नीड टू कैट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, टू सेल्स पीपल सविता एंड करण गेट देयर सेल्स कमीशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ईच मंथ, their total sales commission amounts to rupees 56,100 in a particular month. If Savita got her commission 12% higher than Karan, how much commission did Karan earn? अच्छा question, very interesting. कह रहा है ना, Savita और Karan को प्रत्येक बार इनके द्वारा बेची गई वस्तुओं के आधार पर कमीशन मिलता है। यदि दोनों को सेल्स कमीशन 56,100 और यदि Savita की कमीशन Karan से 12% अधिक, Karan से 12% अधिक, तो करण की कमीशन कितनी? अब देखो, एक लाइन होगा 12% मोर 3/25 मोर मींस 28/25, क्लियर है, 12% मोर, 12% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू 12% इज 3/25, फिर से देखो 12% more
12% more. What does it mean? The fraction value of 12% is 3 by 25. Fraction value क्या होता है? 12% का 3 बटा 25 अधिक है. अधिक में मैंने क्या कहा था इन दोनों को? You need to add 28 by 25. अब देखो इतना. अब बताइए ये जो नीचे वाला जो बेस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट डैन है ना, तो नीचे वाला करंट करण और ऊपर वाला सविता, तो दोनों का सम दोनों को मिला के 53 यूनिट मिला है. 53 यूनिट देखो कैसे बिना एक्स वैक्स लिया आप उड़ा सकते हो ऐसे क्वेश्चन. 53 यूनिट ना, बोथ आर गेटिंग 53 यूनिट व्हिच इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन इक्वल टू 56100. तो 53 यूनिट इक्वल टू 56100. तो 1 यूनिट बराबर यू नीड टू डिवाइड ना 56100 divided by 53. Now, at the end of the question, you have to find out how much did current got. Current को कितना मिला? Current. तो current को मिला है 25 unit. Current नीचे है ना? That current था, तो 25 unit will be how much? ये इसका answer हो जाएगा. अब देखो option सारा decibel में है. मतलब पूरा पूरा कटने की बिल्कुल चांस नहीं, उम्मीद ही नहीं, लेकिन भाग देके काटना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे जो वक्त आपको लगेगा, क्योंकि एब्सोल्युटली कटने वाला नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिकॉज यही तीन ऑप्शन है. तो आप दो अंक तक डिवाइड करके देख लेना 26 आने वाला, तो ये ऑप्शन में आप चले जाना, बाकी ऑप्शन नॉन दिस है नहीं जो डर रहेगा. ठीक है, तो दो बार भाग देके देख लेना यू विल गेट आंसर, क्योंकि ऐसे ऑप्शन पे याद रखना, ऑप्शन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत लोग डिवाइड करके पूरा जाते हैं तो उसका लंबा टाइम जाता है, तो बी केयरफुल. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कमिंग अप. आज का अंतिम सवाल आ रहा है आपके सामने. चलिए, A store has an offer, buy four get one free. ऐसा बहुत जगह आपने देखा होगा, जब भी शॉपिंग करने जाते हो मॉल में या कहीं भी स्ट्रीट के पास लिखा हुआ रहता है दुकान के बाहर, buy two get one free. यहाँ पे क्या है? Buy four get one free. What is the net percentage of discount? एक लाइन में आप अगर without wasting your time, you can solve the question without taking time. How can you solve it? देखो वन आइटम फ्री दे रहा है तो डिस्काउंट तो मिला वन का, लेकिन मार्क प्राइस तो पांच आइटम का ना लग जाएगा, मार्क प्राइस पांच आइटम का लग जाएगा. चार आप खरीदोगे, चार का पेमेंट होगे, एक फ्री, तो मार्क प्राइस से हम लोग डिवाइड करते हैं, पांच से डिवाइड करेंगे इनटू 100. व्हाई 100? बिकॉज़ वी हैव टू एक्सप्रेस द आंसर इन परसेंटेज. तो दैट मच डिस्काउंट अ शॉपकीपर इज ऑफरिंग टू द कस्टमर. That means 20% discount is the answer. So which option is the right answer? Third option is the right answer. ये हुआ exam में इस तरह से आप react करो. लेकिन सोचो, अगर सोच करके conceptually अगर सोचेंगे तो मैं आपको पहले verbally समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे लिखा हुआ है buy four get one free. तो एक item का मान लेते हैं mark price है 100 रुपए. तो हमने चार आइटम का ही पैसा दिया, यानी 400 रुपए उसको दिया, लेकिन एक और फ्री दे दिया, उसका तो मार्क प्राइस 500 का ना हो गया. टोटल पांच ना आइटम आप घर पे कह रहे के 500, तो 500 का माल, 500 रुपए का माल आप 400 रुपए पे करके ला रहे हो, यानी 100 रुपए छूट. तो डिवाइड करेंगे किससे? 100/400 से कि 100/500 से? मार्क प्राइस का क्या फॉर्मूला, ये डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला? डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइड बाय मार्क प्राइस. 100/500 × 100, that means 20% discount. वही मैंने डायरेक्ट कर दिया. एक यूनिट का डिस्काउंट, पांच यूनिट का पैसा लगा, तो 1/5 × 100, that means 20% discount. ठीक है? तो आज हम लोगों ने डिस्काउंट के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग देखते आ रहे हैं लास्ट लेक्चर से, पिछले वीक से ही. उम्मीद करता हूं आप लोग इसे फिर से रिवाइंड करके इस तरह के क्वेश्चन जहां जहां पाओगे, व्हेनेवर यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. ट्राई, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अच्छा होगा. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे.